कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा देश एक ऐसे वायरस से लड़ रहा है जिसका नाम कोरोना वायरस है। पूरी दुनिया लड़ रही है इसको, कोरोना वायरस से। हमें हमारे देश को इस कोरोना वायरस से जीतना है, इसको हराना है। इसको हराने के लिए हम खुद हराएंगे। हमें घर में रहना है, खुद को सैनिटाइज करके रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, हाथ धुलना है, गर्म पानी पीना है, जो भी है। इसके लिए अगर कोई भी जरूरतमंद परेशान है उसके लिए अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं। हम लोग भी मदद के लिए जो भी हम हैं वैसे कर रहे हैं, जैसे राशन डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग का कर रहे हैं। जो भी जरूरतमंद है, मुझे, मेरी टीम, शुएब भाई है, अकमल है, जीशान है, मेरा भतीजा उवैस है, ये लोग हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये शुएब है और इनसे बहुत कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग डेली 400 से 500 लोगों को खाना भी खिलाते हैं, खुद बनाते हैं अपने हाथों से, उनको खाना खिलाते हैं। हम लोग उनको कवर करते हैं 400-500 फैमिलीज को, ठीक है। जिस किसी को भी फार्मेसी, राजी कॉलोनी, शाहीनबाग, अबुल फजल, जसोला चोरी फॉर्म, उनको वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग उसमें 400-500 फैमिली को अभी तक 18 दिन से हम लोग पूरा कंटिन्यू रखा है। आने वाले वक्त में भी हमारा ये लॉकडाउन तक कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि सामने रमजान भी है, रमजान में भी हम लोग पूरा कंटिन्यू रखेंगे, और लॉकडाउन जब तक रहेगा हम लोग इंशाल्लाह को कंटिन्यू रखेंगे। कोई भी ये ना समझे कि हम हिंदू हैं तो इनके पास क्यों जाए, मुसलमान हो तो उनके पास क्यों ना जाए। हमारे पास हर धर्म के लोगों का रास्ता खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है। कभी भी एनी टाइम पूरे रात 24 घंटे हम लोग बैठे हुए हैं आपकी खिदमत के लिए। बस आप लोग घर में रहें, सेफ रहें, हमें भी सेफ रखें, देश को इस जंग से जीतने में मदद करें। थैंक यू वेरी मच।